रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब, सुबह का आगाज़ इतना हसीन, इतना ठंडा ठंडा आगाज़, ऐसे फीलिंग आ रही है कि जैसे सर्दी आ रही है। एक टाइम ये भी होना है कि जब सर्दी ने जब जाने वाला होना ना, तब अभी बड़ी खुशी होती है कि शुक्र है सर्दी जा रही है। लेकिन खैर, आज का दिन, आज की वीडियो में ना मैंने आपके साथ शेयर करना है कि मैंने अपने किस तरह 1000 सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट किया। कोई बहुत बड़ी ये कोई भी पार्टी वुल्टी नहीं की एक्चुअली में। अभी तो थोड़े से दिन हम लेट हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे बड़े भाई नहीं आए थे और उनके लिए हम लोग रुके हुए थे। वो आएंगे तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। जाहिर है जिस जगह फैमिली कंप्लीट नहीं होती तो फिर वो कौन सी सेलिब्रेशन होती है, और जहाँ पर पूरी फैमिली होती है वो ही सेलिब्रेशन होती है। सो बस उन्हीं के इंतज़ार में थे, और एक सेलिब्रेशन तब होगी जब मेरी भाभी आएंगी। सो फिलहाल हमने छोटी मोटी सी की है, और सिर्फ उन लोगों के साथ जो वाकई में ना सारे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं ना मेरे साथ इस चीज़ में, प्रॉपर से मेरी पूरी हेल्प रही है। जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे बेटे को संभाल लें या जो भी है, बहुत सपोर्ट किया ना मेरी अम्मी, मेरे हाला हालू, मेरे भाभियाँ भाई सब फुल साथ सपोर्टिव हैं बहुत ज़्यादा। और आप सब जिन्होंने वीडियोस को बहुत लाइक किया, देखा, शेयर किया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और अच्छा, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने सोची हुई हैं। अच्छा, एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे फ्लोर कुशंस का बोल रही थी कि उनकी सेटिंग के बारे में बताएं। इंशाल्लाह मैं खुद बनाना चाहती हूँ इस पर, लेकिन फ़िलहाल हम फ्लोर कुशन यूज़ नहीं कर रहे थे ना, तो वो स्टोर में हमने रख दिए हुए थे। तो अब सोचा कि वो दोबारा से निकालते हैं, उन्हीं की सजेशन पर कि हम लोग भी दोबारा निकालते हैं, हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर नीचे ही बैठे होते हैं बच्चों की वजह से। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ उनको भी निकाल लेते हैं, और इंशाल्लाह उनकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और आगे आप लोगों से, जैसे मैंने बोला था कि मैं क्यू एंड ए की वीडियो बनाना चाहती हूँ और बनाऊँगी इंशाल्लाह इन्हीं कुछ दिनों में, मेरा इरादा है बनाने का। तो आप जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, अभी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा से जमा हो जाए ना, फिर मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो स्टार्ट करूँगी। तो जनाब, आज ना दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत थी कि सोचा, भैया ने बोला कि हम लोग आज नान चने का नाश्ता करते हैं, तो मैंने ना कुछ अपने लिए आलू वाले नान मंगवा लिए थे। ये छोटी छोटी चीट्स होती है, मेरी ज़रा चीट्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। सो आज मैंने आलू वाले नान खाए, बाकियों ने सिंपल वाले नान खाए थे, और इंतहा के मज़े वाले आलू वाले नान थे, इतने स्पाइसी के मज़ा आ गया उनको खा के। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा था कि भाभी तस्मिया की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर जाके हम अपनी प्रॉपर वो सर्मनी होती है ना एक केक कटिंग की, तो हम लोग वहाँ पे गए। इतना प्यारा, मुझे ये पता नहीं लोगों को ना ये वीरानी और पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मुझे ये जो पत्ते गिरे होते हैं ना, ये बहुत खूबसूरत सा मंज़र लगता है, बहुत पुरसकून और बहुत रोमांटिक लगता है ये। सो जनाब, ये हमारा केक थोड़ा सा मैसी हो गया था, हमने आते आते ही लिया था। भाभी ने, मेरी जो छोटी भाभी ने, उन्होंने पूरा किया, मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने खुद ही केक ले लिया था। तो फिर हमने वहाँ पे जाके बच्चों के साथ सब ने काटा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, और भाभी तस्मिया ने साथ में ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाया हुआ था कि क्या ही कहने हैं। यहाँ पे बच्चे, हम लोग बाहर ही बैठे रहे क्योंकि गर्मी है, अंदर तो घरों के अंदर काफ़ी गर्मी थी और शाम का टाइम हो गया था, तो हम लोग बाहर ही आके बैठ गए थे। हमने सोचा कि इधर चलो फ्रेश एयर है, बच्चे भी घूमते फिरते रहेंगे और हम लोग भी इंजॉय कर लेंगे। और वैसे भी मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं बाहर ही बैठना पसंद करती हूँ। मैं कहा घर से ही तो निकल के आए हैं, तो हम इधर ही बैठेंगे। चार दीवारी वाला एरिया बड़ा ही फुल मतलब सुकून वाला माहौल है, और इतनी सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद घर के काम शाम किए, और उसके बाद जिम चली गई, और फिर मैंने सोच वहाँ से घर आके फिर मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे भाभी ने बताया हुआ था कि मैं पुलाव बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि फिर अब भूख ख़राब करने का कोई तुक नहीं बनता, तो हम लोग ने वहीं पर जाके खाया। इंतहा का मज़े का पुलाव था।
अच्छा कमेंट्स ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस में मतलब देखना चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक्स के किन टॉपिक्स के ऊपर बात करूं। अच्छा कईयों ने ना मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में, इसलिए मैंने बोला था मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स में तो सबके जवाब इस तरह नहीं दे सकती, तो वो मैंने उनके सेव कर ली हुए हैं क्वेश्चंस, उनका जवाब जो है ना मैं नीचे भी अक्सर के लिख रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में आपको सबके जवाब दूंगी, तो वो मैंने जो क्यू एंड ए की वीडियो बनानी है ना मैं उसी के अंदर जवाब दूंगी। सो अगर अभी देती रहूँ तो फिर वो वीडियो मज़े की नहीं बनेगी, इसलिए फिर मैं सोच रही थी कि इकट्ठे ही सबके एक ही दिन सारे जवाब देंगे। तो जनाब बेड पे हमने खाया पिज़्ज़ा, अपनी कितना हसीन लग रहा है ना, उफ़ बहुत ही लजीज, ये स्पाइसी था पिज़्ज़ा पर मुझे फ्लेवर नहीं याद आ रहा, स्पाइसी था बस। तो जनाब ये थी आज की छोटी सी वीडियो, बस आपके साथ छोटी सी अपनी सेलिब्रेशन शेयर करनी थी कि हमने इसी तरह सादा सा सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ज़रा पार्टी शार्टी करें, कोई सेलिब्रेशन करें तो पता चले कि आपके 1000 जो हो गए ना वो पूरे हुए हैं। तो बस जनाब ये आप ही की रिक्वेस्ट पर हमने सोचा कि आप शेयर करते हैं। चले जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चले जी कल फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।